everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of stock exchange. ठीक है class, stock exchange जो है basically ये किस मार्केट का नाम है, ये सेकेंडरी मार्केट का नाम है. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसका कॉन्सेप्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम क्लियर कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को. अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस मिस कर दिया तो पहले उन्हें देखो. ठीक है, अब क्लास जो सेकेंडरी मार्केट है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनकी जो आप कह सकते हो परचेजिंग या सेलिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में. जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो न्यू सिक्योरिटीज नहीं होती. ठीक है, खैर वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम आगे पढ़ते हैं. तो सेकेंडरी मार्केट को ही क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज. द अनदर नेम फॉर सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज. ये समझ आया. अब हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में. ठीक है, अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. यानी स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम बाय या सेल करते हैं क्या क्लास, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. जो मैंने आपको अभी बताया, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. लिक्विडिटी पता है ना कि यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू कैश. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ अ सिक्योरिटी. इसमें आप शेयर्स डिबेंचर को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा. यानी इजिली स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से अगर आपके शेयर्स डिबेंचर से आप उन्हें सेल करके उसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में. और अगर आपके पास मनी है तो आप मनी को देके उसके बदले क्या परचेज कर सकते हो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तभी क्लास ध्यान से पढ़ो, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी इनटू मनी, यानी आप शेयर्स डिबेंचर्स को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो उन्हें सेल करके, एंड वाइस वर्सा मीन्स मनी को कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में उन्हें परचेज करके. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, की जो स्टॉक एक्सचेंज है इट प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनहेंस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज. ये कंप्लीटली सेफ है. क्यों सेफ है, क्योंकि इसका जो हेड है इस पर कौन नजर रखता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एंड डोंट वरी अबाउट इट, हमें सेबी के बारे में भी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. तो ये एक मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है स्टॉक एक्सचेंज का. यानी स्टॉक एक्सचेंज वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे खरीदी और बेची जाती हैं क्या, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. ठीक है, मैंने उस दिन फ्लो चार्ट से आपको पूरा समझा दिया था अच्छे से, कि जब कंपनी न्यू शेयर्स बेचती है वो प्राइमरी मार्केट है, एंड वही पब्लिक जब आपस में शेयर्स खरीदती बेचती है तो वो है सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज. एंड इसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमें मिलती है. हम इजिली शेयर्स को या डिबेंचर्स को या कोई भी सिक्योरिटी को हम इजिली उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस थिंग क्लियर क्लास. तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टॉक एक्सचेंज का. अब हम चलते हैं जो कि अगर एग्जाम में आपको स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन पूछी जाए, आपसे पूछी जाए डिफाइन अ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, तब आपको क्या लिखना है. ये तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए था. अब वो जो मेन डेफिनेशन है स्टॉक एक्सचेंज की, जो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, अब हम उसको रीड करते हैं. नाउ सी क्लास द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन इट इन योर एग्जाम. ये आपके एनसीईआरटी में ये क्लियर ऑफिशियल डेफिनेशन मेंशन है. अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है या नहीं मिला, डजंट मैटर, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग. किस पर्पज के लिए बनाइए, ये वर्ड्स याद करो, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. बिजनेस किस चीज का, बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. ये ऑफिशियल डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है एज इट इज, और एज इट इज ही लिखनी है अगर पेपर में डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आती है तो. इसके बाद में आपको थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ क्लास. बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का. ठीक है, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. तो
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट एंड एनएससी इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लास फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। क्लास मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट ही है, तो काफी फंक्शंस जो फाइनेंशियल मार्केट के थे वही है फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज आपने पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि ज्यादातर फंक्शंस जो स्टॉक एक्सचेंज के हैं वो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाले ही है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद दैट टॉपिक। क्लास सी फर्स्ट पॉइंट, क्लास एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है बोर्ड में कितनी बार ऐसा होता है कि आपको एक केस स्टडी आ जाएगी एंड देन आपको क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। तो आपको जब एक एक फंक्शन क्लियर होगा और आपको कॉन्सेप्ट उसका अच्छे से क्लियर होगा तो कितनी भी ट्रिकी केस स्टडी आप इजिली पढ़ते या पहचान जाओगे, अच्छा इस पैराग्राफ में ये फंक्शन गिवन है। तो उसके लिए आपको पहले एक एक फंक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फोकस प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एक्जिस्टिंग इसलिए बोला है क्योंकि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की मार्केट है। लिक्विडिटी अभी हमने डिस्कस करा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजिली अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, तो क्लास मेन फंक्शन यही है स्टॉक एक्सचेंज का, टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट, एक रेडी मार्केट देना। किस चीज की रेडी मार्केट देना? फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर दोनों ही काम होंगे, सेल भी होगी एंड परचेज भी होगी। तो इट प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। क्लास ये एक ऐसी मार्केट है, कॉन्टिन्यूस मार्केट है, जहां पे इन्वेस्टर्स, ध्यान से सुना ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, वेयर इन्वेस्टर्स गेट द चांस टू इन री इन्वेस्ट एंड डिस इन्वेस्ट। ये ध्यान से सुना, एनसीईआरटी की लाइन है, वेयर इन्वेस्टर्स गेट द चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट विद ईज। दो काम करते हैं इन्वेस्टर, टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट विद ईज। विद ईज मतलब बहुत ईजीली, लेकिन किस चीज का चांस दे रहे? डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो पैसा सिक्योरिटीज में लगा रखा था वो आपने हटा दिया, जो पैसा आपने सिक्योरिटीज में लगा रखा था उसे आपने हटा दिया। यानी डिस इन्वेस्ट का मतलब बेसिकली हो गया सेल, और री इन्वेस्ट कि आपने अपना पैसा सिक्योरिटीज में लगाया, यानी यहां पे बात हो गई परचेज की। समझ, उसी को इन वर्ड्स के थ्रू मेंशन करा एनसीईआरटी में। आपको ये लाइन अगर दिखती है एक पैराग्राफ में तो समझ जाना यहाँ फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी की लाइंस को पहचानो, उसके मीनिंग को पहचानो, ताकि आप पैराग्राफ में से इजिली फंक्शन आइडेंटिफाई कर पाओ। वेयर इन्वेस्टर्स गेट द चांस टू डिस इन्वेस्ट यानी सेल, एंड री इन्वेस्ट यानी परचेज। डिस इन्वेस्ट मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा था सिक्योरिटी में आपने निकाल लिया, यानी हमने सिक्योरिटी सेल कर दी। री इन्वेस्ट मतलब आपका जो पैसा है उसे आपने सिक्योरिटी में लगा दिया, यानी हमने सिक्योरिटी परचेज कर ली। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि ये मार्केट बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, इजी मार्केटेबिलिटी देती है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ना इन्वेस्टर्स की, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर दे वांट। जब उन्हें जरूरत है उसी टाइम कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है इस मार्केट में। ठीक है, इजी सेल एंड परचेज है सिक्योरिटीज की। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्लास इफ यू रिमेंबर, तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने चीज पढ़ी थी कि फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लास सेम एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में भी किसी सिक्योरिटी का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस पता चल जाता है, सिंपल है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड इसी प्राइस से जो होता है ना, बायर और सेलर दोनों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि सिक्योरिटी का प्राइस क्या चल रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है, किसी शेयर का क्या प्राइस है। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है, विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत इजी पॉइंट्स है क्लास सारे। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ये भी हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेफ है, आप सेफ हो इसके अंदर। इसके अंदर फ्रॉड के चांसेस भी कम होते हैं एंड कोई चीटिंग वगैरह नहीं होती, अनफेयर डील्स नहीं होती। वाई?
The membership of a stock exchange is well regulated and its dealings are well defined. पहली बात तो इसकी जो membership है वो well regulated है. इसकी जो dealings है वो well defined है. किसके according defined है? According to the existing legal framework. ये ध्यान रखो कि जो भी हमारी country का legal framework है उसके according इसकी सारी dealings well defined है. This ensures that the investors get a safe and fair deal through stock exchange. कि जो investors है ना class, उन्हें एक safe और एक fair deal मिलती है stock exchange, क्योंकि पूरे completely legal framework को follow करके ही, एक complete legal framework follow होता है, उसी के according सारी dealings होती है. ठीक है, दूसरी बात class, जो सिर्फ listed securities है, only the listed securities are ट्रेडेड इन अ स्टॉक मार्केट. आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली, ये नहीं कि कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे कोई खरीद बेच सकता है, नहीं, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ उन्हीं की डीलिंग होती है. और एंड अ कंपनीज नेम इज इंक्लूडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन. आप ये ध्यान रखना, आपने 11th क्लास में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पढ़ी थी तब भी आपने पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कोई डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और कैपिटल रेज करना चाहती है तो पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है. तो हमेशा ध्यान रखो क्लास, दो चीजें सुनो, एक तो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज डील होंगी, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी डील होगी, दूसरी बात कंपनी का नेम तभी स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन. प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, कंपनी की साउंडनेस चेक करी जाएगी, उसके बाद ही कंपनी का नेम इंक्लूड करा जाएगा. समझ आ रही है बात? ठीक है, कि ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. सेकेंडली, कंपनी का नेम तभी इंक्लूड करा जाता है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, कंपनी की साउंडनेस वेरीफाई होती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक होती है, उसके बाद ही कंपनी को अलाउ किया जाता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे उसका नाम इंक्लूड हो. उसके बाद भी चलो कंपनी का नाम इंक्लूड हो गया, लिस्टेड सिक्योरिटीज डील हो रही हैं, उसके बाद भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क. जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करते हुए ही जो है कंपनीज ऑपरेट करती है. दे हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द लीगल फ्रेमवर्क. उसके अकॉर्डिंग ही कंपनीज क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं. तो इसमें कंप्लीट सेफ्टी है, कंप्लीट सेफ्टी. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लास अभी हम इतनी देर से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ऑन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड. हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है. ठीक है, अब क्लास ये जो प्रोसेस है डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट का, अभी मैंने आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करा. डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सेल करना और री इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज करना. तो ये जो प्रोसेस है डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होता है क्लास की जो हम लोगों की जो सेविंग्स है इट गेट्स चैनलाइज्ड इन टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज. आप खुद देखो, अगर मुझे लग रहा है कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो आगे, मुझे लग रहा है कि रिलायंस का शेयर खरीदने से मुझे आगे बेनिफिट होगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको री इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना पैसा रिलायंस के शेयर्स में लगा रही हूँ, यानी मेरा पैसा रिलायंस को मिल रहा है, रिलायंस उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी एंड पैसा कमाएगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही. समझ जाओ ना कैसे चैनलाइज हो रही है. मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट में भी समझा दिया कि मेरे घर में एक आइडियल फाइनेंस पड़ा है, पैसा पड़ा है, आइडियल पैसा, वो एक्स्ट्रा पैसा है. अब मैं उस पैसे को क्या कर रही हूँ क्लास, मैं उस पैसे को रिलायंस के शेयर्स में लगा रही हूँ. तो मैंने अपना जो आइडियल पैसा है वो किसको दिया, रिलायंस को दिया. ठीक है, अब रिलायंस ने उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करी, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कोई नई ब्रांच ओपन करी, तो यानी वो जो पैसा है वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा. तो वही कह रहे क्लास, ये जो प्रोसेस है ना डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट का, इससे जो सेविंग्स है वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में अपने आप लग जाती है.
दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. और इसी से क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन. भाई आपका आइडियल फाइनेंस जब कंपनी के पास पहुंच रहा है और कंपनी उस पैसे को अच्छे से यूज कर रही है, उससे कंपनी ग्रो कर रही है, उससे कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, तो इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट बेसिकली मीनिंग है इक्विटी की अवेयरनेस को बढ़ाना, या कह सकते हो एनकरेज करना, प्रमोट करना सिक्योरिटीज की नॉलेज को, कि लोग अपना जो आइडियल सेविंग्स है, जो फिनेंस है, उसको सिक्योरिटीज मार्केट में लगाए. तो इक्विटी को बढ़ावा देना यानी सिक्योरिटीज मार्केट को बढ़ावा देना. देखो, स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज. तो स्टॉक एक्सचेंज कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर ओनरशिप बढ़े. बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, वो हमने पढ़ा है कि ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो. एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट. जो मैं आपको कह रही थी कि फोकस ये रहता है कि पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, पब्लिक के अमंग अवेयरनेस क्रिएट करी जाए अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि लोग अपना पैसा घरों में ना रखें, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करें. तो उन्हें इस चीज के लिए एनकरेज करना, उन्हें इस चीज की नॉलेज देना, उन्हें पब्लिक को इस चीज के बारे में अवेयर करना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है. ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, वाइडर ईयर ओनरशिप करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स खरीदें, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो अबाउट इन्वेस्टमेंट. यस क्लास, लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन. क्लास स्पेक्युलेशन का मीनिंग आई होप सबको क्लियर होगा कि स्पेक्युलेशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सट्टा, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो जब हम किसी तरह के गेन पे उम्मीद लगाते हैं कि हमें गेन होगा, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें गेन और लॉस का चांस इक्वल बना रहता है, ठीक है, एंड हम ये उम्मीद लगाते हैं, हम गेन की उम्मीद लगा के उस रिस्क को लेते हैं कि हाँ हमें फायदा हो सकता है, और इस उम्मीद में हम उस रिस्क को लेते हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशियंट स्कोप विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी. तो वैसे तो सट्टा लगाना आप सबको पता है कि एक इलीगल एक्टिविटी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देयर इज अ स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इन अ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर. रेस्ट्रिक्शन है, पूरा कंट्रोल है, सेबी देख रहा है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ उसके अंदर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अलाउड है. तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे हमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करने का चांस मिलता है इन अ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर. ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पे आप स्पेकुलेशन कर सकते हो इन अ लीगल मैनर. सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नीडेड, क्योंकि चाहिए होती है क्लास, टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कॉन्टिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट. एक हेल्दी स्पेकुलेशन चाहिए ही होती है स्टॉक मार्केट में, ताकि लिक्विडिटी और प्राइस कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. तो लास्ट फंक्शन बड़ा सिंपल सा है कि आपको स्पेकुलेशन करने का स्कोप मिलता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. सिंपल सी बात है कि आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर करने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो क्लास वैसे 6 के 6 फंक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी हैं, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है. आपको सिर्फ उनके मीनिंग पे फोकस करना है कि उनकी इंटेंशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एंड कुछ उन इंपॉर्टेंट लाइन्स पे डिस्कस करना है जो एनसीईआरटी मेंशन है, जो मैंने यहाँ लिखी है और आपसे डिस्कस की. अगर आप हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेते हो, उन लाइंस को अपने माइंड में बिठा लेते हो, तो पैराग्राफ या केस स्टडी कितनी भी ट्रिक है आप पहचान लोगे, यार ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन द मीनिंग. छोटे छोटे मीनिंग है, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है पॉइंट्स के, उनके मीनिंग पे फोकस करो, उनके उन वर्ड्स उन लाइन्स पे फोकस करो, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट इन द केस स्टडी. ओके, तो अगर क्लास आज आपको जो हमने टॉपिक करा है स्टॉक एक्सचेंज, उसका मीनिंग, उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, देन फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, अगर इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.